मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सरवटे बस स्टैंड क्षेत्र में 90 ग्राम ड्रग्स के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 31 दिसंबर को पब्स में होने वाली पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था। दरअसल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि मुंबई से नदीम उर्फ नंदू मादक पदार्थ सप्लाई करने के लिए शहर आया है और सरवटे क्षेत्र में घूम रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर नदीम को पकड़ा और उसके पास से 90 ग्राम MD ड्रग बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए बताई गई है। दो दिन पहले भी पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था जो मुंबई से ड्रग्स लाकर शहर में बेचती थी। आरोपी मुंबई में कहां से ड्रग लाया, किसे ड्रग सप्लाई करने आया था, महिला से कनेक्शन के बारे में पुलिस जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर द्वारा जो नार्को हेल्पलाइन संचालित कराई गई है इंदौर क्राइम ब्रांच में, उसके काफ़ी सूचनाएं उसमें प्राप्त हो रही हैं और इन्हीं सूचनाओं की तस्दीक करते और धरपकड़ करते एक बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा की गई है, जिसमें एक आरोपी जिसका नाम नदूर्फ नदीम है, ये कुरला मुंबई का रहने वाला है, इसे 90 ग्राम MD सीज हुई है और जिसकी कीमत करीब 9 लाख रुपये है। इससे अभी पूछताछ की जा रही है। सर, अभी हाल में जो महिला पकड़ी गई थी उससे कोई कनेक्शन इसका निकला है या उससे कुछ अभी इससे पूछताछ की जा रही है। पूरा मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन के फर्स्ट फेज में है। पूरा एक बार डिटेल इंटीग्रेशन हो जाए इससे और एविडेंसेस वगैरह कलेक्ट हो जाए उसके बाद ही कुछ बता पाए। इसको ये मुंबई का रहने वाला है जैसा आपको पहले बताया मैंने, और इसको सरवटे परिसर से जो है वहाँ से पकड़ा हुआ है।